नमस्कार, एमपी न्यूज़ कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी शहर में रिहायशी इलाकों एवं मंदिर परिसर के आसपास शराब दुकान खोलने को लेकर एक बार फिर जनता का आक्रोश मंगल नगर क्षेत्र में फूट पड़ा। शुक्रवार की देर शाम मंगल नगर चौराहे के समीप शराब दुकान खोले जाने से नाराज स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दुकान बंद कराने की मांग करते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को मंगल नगर क्षेत्र में शराब दुकान खोले जाने को लेकर जनता का आक्रोश फूटने की जानकारी लगी, वैसे ही पुलिस महकमा एवं प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर जा पहुंचे और विरोध कर रहे लोगों को समझाइश देने का प्रयास करने लगे। काफी देर चली मशक्कत के बाद किसी तरह प्रशासन ने जब मंगल नगर चौराहे से शराब दुकान हटाने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर लोगों का आक्रोश शांत हो सका। खबर लिखे जाने तक मंगल नगर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन का क्रम जारी है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ही मंगल नगर क्षेत्र के समीप ही झर्रा टिकुरिया क्षेत्र में रिहायशी इलाके में शराब दुकान रातों रात खोले जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। प्रदर्शन के दौरान मंगल नगर वासियों के साथ कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की भी बड़ी संख्या में मौजूद ही रही। अब ये देखिए, आबकारी विभाग इस बारे में कार्रवाई कर रहा है। देखिए, अभी हम लोगों को सूचना मिली थी कि मंगल नगर में शराब दुकान के संबंध में यहाँ पर जन आक्रोश है लोगों के बीच में, तो इस संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारी वर्ग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से हम लोग उपस्थित हुए हैं और जनता से यहाँ पर हम लोगों ने उनकी बात सुनी है। वरिष्ठों के निर्देशानुसार अभी इसे बंद करा दिया गया है, शराब दुकान को। वरिष्ठों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मैडम, देखा गया है इतनी जगह शराब दुकान खुल रही, इस तरीके का विवादित स्थिति बन रही है, इसको लेकर प्रशासन कितना गंभीर है जो कि ऐसी जगह विवादित स्थिति ना हो, भविष्य में ऐसे विवाद की स्थिति ना हो, इसलिए जो भी जरूरी कदम है वो लिए जाएंगे। वरिष्ठों के निर्देशानुसार ये दुकान शिफ्ट होना है, तो उनके निर्देशानुसार ही होगा।